नमस्कार, मैं रंजना आप सभी को स्वागत कर रही हूँ रंजना चूल्हा में। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल और पालक की सब्जी। पालक हमारा आयरन रहता है, दाल पौष्टिक आहार है। घर में बच्चे क्या है, पालक खाते नहीं है, भाजी वगैरह कुछ खाते नहीं है, तो इसीलिए हम क्या दाल में पालक को डाल के सब्जी बनाएंगे तो बच्चे के लिए भी फायदेमंद चीज़ है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है ये, और खाने में बहुत ही पौष्टिक आहार है। तो चलिए बनाते हैं दाल और पालक की सब्जी। दाल और पालक सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले पालक। मैंने पालक अच्छी तरह से साफ करके धो के रखे हैं। दाल आधा कप, दो टमाटर, एक प्याज, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कली 6 से 7, हरी मिर्च 4 से 5, जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, घी और स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए सबसे पहले हम दाल को धो लेते हैं। दाल को हम अच्छी तरह से साफ पानी निकलते तक हम इसे धो लेते हैं। देखिए दाल को मैंने धो लिए। अब इसे अभी गर्म पानी, खौलते हुए पानी डाल के इसे अभी हम 10 मिनट छोड़ देते हैं। जब तक दाल हमारा 10 मिनट रेस्ट कर रहा है तब तक हम पालक को काट लेते हैं। ध्यान रखिएगा पालक का सिर्फ पत्ता ही लेना है हमको, उसका डंठल नहीं लेना है। तो इस तरफ से पालक को हम काट लेंगे। प्याज को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। इस तरफ से बारीक चॉप कर लेंगे हम प्याज को। टमाटर भी काट लेते हैं। टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा को इस तरह से काट देंगे। इसको क्योंकि ये ग्राइंड नहीं होता है तो काट के इसको हम अभी ग्राइंड करेंगे। तो इसको अभी हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए 10 मिनट दाल हमारा गर्म पानी में भीग चुका है, तो अभी हम इसे गैस में बिठाते हैं पकने के लिए। तो इसमें 1 कप पानी और दे देंगे। हल्दी डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच। इसे ढक्कन लगाकर गैस में बिठा देते हैं। देखिए मैंने ढक्कन लगा के गैस में बिठा दिए हैं। अभी हाई फ्लेम में इसको 1 व्हिसिल आधे तक रखेंगे, उसके बाद फिर मीडियम कर देंगे।
लो मीडियम में फिर पकाएंगे इसको। देखिए दाल हमारा पक चुका है, अब इसे हम गैस से उतार के हम कढ़ाई बिठाते हैं। और हमने जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च टमाटर का पेस्ट बना लिए हैं, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो देसी घी में हम दाल का फ्राई करेंगे। तो एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच हम देसी घी दे दिए। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा के बाद हम डालेंगे थोड़े से हींग। और प्याज जो हम चॉप करके काटे थे, अब इसको भी इसमें डाल देंगे। और फ्राई करेंगे। प्याज को ज़्यादा हम रेड ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा रेड होते तक हम करेंगे। देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे जो प्यूरी बना के रखे हैं उसको डालेंगे। अभी हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, क्योंकि दाल में भी हम आधा चम्मच दिए थे, तो इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच, नमक देंगे, स्वाद अनुसार नमक देंगे। अब गरम मसाला भी अभी ऐड कर देंगे हम। अब सारे मसाले को अभी कढ़ाई से घी अलग होते तक इसे फ्राई करेंगे हम। ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि टमाटर प्यूरी है तो ये जल्दी फ्राई हो जाता है। देखिए कढ़ाई से घी अलग होने को आ गया है, 5 मिनट करीबन लगता है बस फ्राई होने के लिए। तो अभी इसे हम देंगे पालक। और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे, क्योंकि अभी पालक से भी पानी निकलेगा, तो इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ढक देंगे अभी इसे। देखिए पालक हमारा कैसे गल चुका है, मसाला का कलर भी बेहतरीन आया है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलते हैं। देखिए दाल हमारा कितना सुंदर गल चुका है। हमारा ये भी मसाला भी फ्राई हो चुका है। मसाला फ्राई हो चुका है, अब इसे अभी हम दाल को ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि अरहर का दाल है, ये थोड़े से बॉयल होते तक रखेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होता है तो गाढ़ा हो जाता है अरहर का दाल। अब इसे ढक देते हैं।
देखिए हमारा दाल और पालक की सब्जी बनके रेडी हो चुका है। ये ठंडा हो जाएगा तो ये और ठीक हो जाएगा। देखिए इसे अभी हम बॉल में निकालते हैं। क्या है, इसको ज्यादा गाढ़ा करके हम नहीं उतारेंगे, क्योंकि ज्यादा गाढ़ा कर देंगे तो बाद में जब ठंडा हो जाएगा तो दाल हमारा और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए अभी इसको इतना में रखेंगे, ठंडा हो जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए छोटा सा कढ़ाई बैठाते हैं हम गैस पर। एक चम्मच हम गाय का घी डालते हैं। दाल का तड़का देसी घी में ही मजा आ जाता है तो इसीलिए हम देसी घी डाल रहे हैं। देखिए घी गर्म हो चुका है। जीरा हम देंगे 1/2 टीस्पून और 3 सूखी लाल मिर्च देंगे। अब इसे अभी हम दाल में छौंक लगाएंगे। देखिए हमारा दाल पालक बनके रेडी हो चुका है। जरूर आप घर में ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी डिश है और फायदेमंद डिश है, तो आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और गरम गरम रोटी पराठा चावल के साथ आप सर्व कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबा देंगे तो नया नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। Thank you.